जी ये सही कर दीजिए कि दूर खड़े हैं थोड़ा पास आ बैठिए, लगी है दिल में आस आ बैठिए, दूर खड़े हैं थोड़ा सा। हाँ थोड़ा आगे से आप लोग ऐसा करिएगा, दो ईंट यहाँ रख दीजिएगा, माइक छोटा पड़े तो माइक के नीचे लगा दीजिए, शायर छोटा पड़े तो शायर के नीचे लगा दीजिए। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बात तो बहुत जरूरी है कि अगर ईंटें रख दिए जाएंगे तो अच्छी बात है, जब मन होगा हम ईंटों पे रख देंगे, जब मन होगा हम मंच पे रख देंगे, तो ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश करती हूँ। सबने बहुत अच्छा पढ़ा, मैं पहली बार आपके बीच में आई हूँ, आप लोगों का प्रेम लेकर के जाऊँ, और मैं ये कह सकूँ कि मैं पहली बार बलिया गई और वहाँ के लोगों ने बड़े ही अच्छे मन से मुशायरा सुना और समझते हैं उन चीज़ों को, तब अपनी बात कहना चाहूँगी कि दूर खड़े हैं थोड़ा पास आ बैठिए, लगी है दिल में आस आ बैठिए, जान भी ले लो कबूल है लेकिन, पर आप सभी उदास ना बैठिए। वाह। और तब मैं कहना चाहती हूँ कि हमारी आंख में अगर काजल ना होता, मैं श्रृंगार की कवित्री हूँ, सही बात, श्रृंगार की बातें करूंगी, गीत गजलों की बातें करूंगी, तब अपनी बात कहूंगी कि हमारी आंख में अगर काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता। ये बात हमारी आंख में अगर काजल न होता, ये जो बैठा है फिर पागल न होता, उठा लेता मुझे भी कोई किसी दिन, जो मेरे नाम का बादल न होता। तब मैं अपनी बात कहना चाहूंगी, हल्का सा इसको कर दीजिएगा, मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा। जी पढ़िए पढ़िए। अगर मिले ना कहीं ठिकाना, बहुत अच्छी शुरुआत है, पता हमारा संभाल रखना, बहुत खूब बहुत अच्छा। एक छाप छोड़ के जाऊंगी ताकि जब भी कभी ददरी मेला हो तो आपकी जहन में विभा शुक्ला बनारस की याद रहे, और आप बिना कहे ये कह सको कि हाँ मुझे उस विभा को सुनना है जो पिछली बार आई थी। तब मैं अपनी बात यहाँ से कहती हूँ कि अगर मिले ना कहीं ठिकाना, पता हमारा संभाल रखना, बहुत को हमें मुसाफिर नया समझ कर, मलाल दिल से निकाल रखना, हमें मुसाफिर नया समझ कर, मलाल दिल से निकाल रखना, जहाँ कहीं हम बिछड़ गए थे उसी जगह पर खड़े मिलेंगे, जहाँ कहीं हम बिछड़ गए थे उसी जगह पर खड़े मिलेंगे, अगर वफा पर यकीन आए, अगर वफा पर यकीन आए तो जरूर खुल कर सवाल करना, अगर वफा पर यकीन आए तो जरूर खुल कर सवाल करना। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और तब मैं अपने लिए बात आगे बढ़ाती हूँ, सुनिएगा, दिल की बातें कहूँगी, जो मेरी बातें आपके जीवन में कहीं से भी टच करे तो वो वहाँ से आप मुझे तालियों का दाद दीजिएगा। और ये जो दो भाई साहब आपस में जो विचार विमर्श कर रहे हैं, कृपया हमारा ध्यान उधर जा रहा है, आप लोग थोड़ा सा शांत हो जाइएगा, वो लोग आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। जी किसी के भी बारे में बात करें अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा शांति से माहौल को रखें। मैं पढ़ती हूँ सुनिएगा। कि भंवर से वो उभरना चाहता है, मेरे दिल में उतरना चाहता है। वाह वाह। भंवर से वो उभरना चाहता है, मेरे दिल में उतरना चाहता है, गजल अपलोड करके फेसबुक पर वो मुझे टैग करना चाहता है। वाह वाह वाह। तब अपनी बात कहना चाहती हूँ। बहुत अच्छे। उम्मीदों का चमन खिलने लगा है, तुम्हारा साथ जो मिलने लगा है, उम्मीदों का चमन खिलने लगा है, तुम्हारा साथ जो मिलने लगा है, किसी ने जख्म जो मुझको दिया था, किसी ने
से सिलने लगा है। और मैं अभी को मेरा ध्यान गया है कि हमारे बाई तरफ हमारे पुलिस भैया लोग भी बैठे हुए हैं, उनके हवाले से करना चाहूंगी कि मेरी चाहत मेरा अरमान हो तुम। क्या बात है, क्या बात। मेरी चाहत मेरा अरमान हो तुम, मेरी खुशियाँ मेरी पहचान हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी खुशियाँ मेरी पहचान हो तुम। तुम्ही मैं क्यों परेशानी में डालूं, तुम्ही खुशियों का जो गुलदान हो तुम, मेरी खुशियों का जो गुलदान हो तुम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अपनी बात कहना चाहूंगी कि गमों के साए ढलते जा रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। पुराने दिन बदल जा रहे हैं, गमों के साए ढलते जा रहे हैं, पुराने दिन बदलते जा रहे हैं। बुलंदी पर जो देखा पंछियों को, बुलंदी पर जो देखा पंछियों को, मेरे भी पर निकलते जा रहे हैं, मेरे भी पर निकलते जा रहे हैं। अच्छा, तो एक बार तालियां बजा करके मुझे आदेशित कीजिएगा, मैं दोबारा पढ़ने की कोशिश करती हूँ। ये बात सच है कि ये लाइन सबके जीवन में कहीं ना कहीं से लगती हैं। तब फिर से कहना चाहूंगी कि गमों के साए ढलते जा रहे हैं, पुराने दिन बदलते जा रहे हैं, बुलंदी पर जो देखा पंछियों को, बुलंदी पर जो देखा पंछियों को, मेरे भी पर निकलते जा रहे हैं, मेरे भी पर निकलते जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए मैं श्रृंगार की तरफ चलती हूँ। श्रृंगार तो कहना चाहूंगी कि दिल के कोने में तेरी याद बसाए बैठे हैं, और न जाने क्या क्या इस दिल में छुपाए बैठे हैं। दिल के कोने में तेरी याद बसाए बैठे हैं, और न जाने क्या क्या इस दिल में छुपाए बैठे हैं। दूर से ही सही वो हमसे पूछे तो जरा, कि हम उनसे मिलने की आस आज भी लगाए बैठे हैं। बा, तब मैं अपनी बात कहना चाहूंगी। जन्म में तेरी याद में हद से गुजर गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मीठी तालियों का भी साज मिल जाए तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ये मेरा पहला मुशायरा आपके बीच में है, और ये एक मैं आप लोगों का प्रेम लेकर के अपने साथ जाऊंगी। और बस कहना चाहूंगी कि जन्म में तेरी याद में हद से गुजर गए, जन्म में तेरी याद में हद से गुजर गए, जीती हूँ तुम्हें देख के तुम पे ही मर गए, जीती हूँ तुम्हें देख के तुम पे ही मर गए, तेरी नजर का तीर जो मुझ पे चल गया, जो मुझ पे चल गया, आंखों की झील में बड़े गहरे उतर गए, आंखों की झील में बड़े गहरे उतर गए, अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, मैं पूर्णिमा का चांद हूँ आधा न कीजिए, अगले जन्म में मिलने का वादा न कीजिए, मैं पूर्णिमा का चांद हूँ आधा न कीजिए, मैं रुक्मिणी हूँ आपके अधिकार है मेरा।
अधिकार छीन के मुझे राधान कीजिए, अधिकार छीन के मुझे राधान कीजिए, पूर्णिमा का चांद हुआ धान कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तब अपनी बात कहना चाहूंगी कि मिलाई है नजर तो नजारा भी दिखाई दे, जमाना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे। मिलाई है नजर तो नजारा भी दिखाई दे, जमाना जिसे देखे मोहब्बत की दुहाई दे, तड़प ऐसी हो कि दोनों को पता चल जाए, उधर धड़के तुम्हारा दिल इधर धड़कन सुनाई दे। तब अपनी बात कहना चाहूंगी, गजल आपके बीच में रखना चाहूंगी कि ये जो प्यारी प्यारी नजरें मुझे देख रही हैं, कि कहना चाहूंगी कि नजरों के तीर से न दिल पे वार कीजिए, अगर इश्क है तो डूबना स्वीकार कीजिए। ए चांद मेरे जाने गजल मेरी जिंदगी, अब तो खुदा के वास्ते इकरार कीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तब मैं अपनी बात कहना चाहती हूँ और पढ़ के अपने स्थान ले ग्रहण कर लूंगी, और सुनना चाहते हो तो तालियों से मुझे आदेशित कर दीजिएगा। मैं पढ़ती हूँ। जो दुश्मन था उसी ने जख्म पर मरहम लगाया है, जो दुश्मन था उसी ने जख्म पर मरहम लगाया है, जो दुश्मन था उसी ने जख्म पर मरहम लगाया है, हमर हम लगाया है, जिसे मैं प्यार करती थी, जिसे मैं प्यार करती थी उसी ने ही सताया है, जिसे मैं प्यार करती थी उसी ने ही सताया है, जो दुश्मन था उसी ने जख्म पर मरहम लगाया है। तब अपनी बात कहूंगी, अगर आपके दिल में उतरती हो तो यही कहना है कि हवाओं ने तो चाहा था, हवाओं ने तो चाहा था उजाला घर में रह जाए, हवाओं ने तो चाहा था उजाला घर में रह जाए, हवाओं ने तो चाहा था उजाला घर में रह जाए, उजाला घर में रह जाए, उजाला घर में रह जाए, कोई अपना ही आ करके, कोई अपना ही आ करके मेरा दीपक बुझाया है, कोई अपना ही आ करके मेरा दीपक बुझाया है, कोई अपना ही आ करके। तब अपनी बात कहना चाहूंगी कि बदल कर रूप आती है, बदल कर रूप आती है परेशानी यहाँ हर दिन, बदल कर रूप आती है परेशानी यहाँ हर दिन, बदल कर रूप आती है यहाँ परेशानी यहाँ हर दिन, परेशानी यहाँ हर दिन, मेरे घर का पता आखिर, मेरे घर का पता आखिर उन्हें किसने बताया है, मेरे घर का पता आखिर उन्हें किसने बताया है, मेरे घर का पता आखिर। और तब अपनी बात कहना चाहूंगी, अरे रख लीजिए, रख लीजिए, सब नहीं ले जाइए, हटाइए। तब अपनी बात कहना चाहूंगी, सुनिएगा। ऐसा है कि मुशायरे कि जो रवायत है वो पैसे लेन देन का ये रवायत नहीं है, इसको आगे नहीं बढ़ाएं। कृपया बिल्कुल, और मैं आगे पढ़ती हूँ। मेरी बात अच्छी लगे तो मुझे तालियों में बता दीजिएगा कि मैं जो पढ़ रही हूँ तो उसमें एक संदेश है, एक दिल की बात है जो सबके जिंदगी में वो टच करती है। तब अपनी बात कहना चाहूंगी कि यहाँ पहचान मुश्किल हो गई अपने पराए की, 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 अपने पराए की,
समझती थी, वाह, जिन्हें अपना समझती थी उसी ने ही रुलाया है, जिसे अपना समझती थी उसी ने ही रुलाया है, जिन्हें अपना समझती थी। और अंतिम मक्ता पेश करती हूँ, सुनिएगा। मुकद्दर बन गया है धूप में मेरा सफर करना, मुकद्दर बन गया है धूप में मेरा सफर करना, मुकद्दर बन गया है धूप में मेरा सफर करना, मुकद्दर बन गया है धूप में मेरा सफर करना। मेरे सर से न जाने आज, मेरे सर से न जाने आज कितनी दूर साया है, मेरे सर से न जाने आज कितनी दूर साया है, जिसने अपना समझती थी। बहुत बहुत शुक्रिया।